हेलो मेकअप लवर्स, आई एम सोनाली। वैसे मुझे बोलना चाहिए हेलो ड्रेस लवर्स, हेलो शॉपिंग लवर्स। आई एम सोनाली, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मिंत्रा का रिव्यू वीडियो। मिंत्रा का रिव्यू नहीं, मतलब मिंत्रा से एक ड्रेस मैंने परचेस की थी, कुर्ती एंड प्लाजो का सेट, उसका आज रिव्यू कर रही हूँ। बिकॉज़ आई लव दिस वन, एंड ये मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था। तो क्या है, चलिए देखते हैं। मतलब मैंने प्लाजो बोला है, ओ गॉड, ये ट्राउज़र है। इसका प्राइस है 2,565 रुपीज़। जी नहीं, आपको इतना पे नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज़ यू ऑल नो कि मिंत्रा पे अच्छी अच्छी डील्स और सेल आते रहते हैं। तो मैंने भी उसे वैसे ही परचेस किया था। मैंने इसे 68% के ऑफ पे परचेस किया था और मुझे मिला था 923। सारी डिटेल्स की बात करते हैं। ये एक पिंक सॉलिड कुर्ता है विथ ट्राउज़र, और ये पिंक स्ट्रेट काफ लेंथ कुर्ता गोटा पट्टी हैज़ अ बोट नेक। इसमें आपको बोट नेक मिलेगा, सबसे अच्छी बात यही है। इसमें आपको कोई दुपट्टा वगैरह लेने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज़ ये बोट नेक है। एंड इसकी जो स्लीव्स है वो आपके यहाँ तक आएगी, मतलब शॉर्ट स्लीव्स है ये। साइड स्लिट आपको मिलेगा, मतलब साइड से जॉइंट नहीं है, साइड से स्लिट आपको मिलेगा, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये साइड में आपको स्लिट मिलेगा जो हर कुर्ती में होता है, ये जॉइंट नहीं है। अभी हम ट्राउज़र की बात करते हैं, तो सेम फैब्रिक में आपको जो है वो ट्राउज़र मिलता है, बिल्कुल सेम कलर में। ये जो ट्राउज़र है ये इलास्टिक वैंड पीछे में आता है, सो दैट आपको काफ़ी स्ट्रेचिंग वाली अच्छी मिल जाती है, बट आगे से ये पैंट टाइप है। जो मैंने ये कुर्ता परचेस किया है, ये मैंने एल साइज़ में परचेस किया है। मैं चाहती तो एम भी ले सकती थी, बट मुझे पर्सनली अपने सूट्स एक साइज़ बड़ा लेना अच्छा लगता है, सूट या कुर्ती, सो दैट मैं उसे लाइक ऑल्टर करके अपने शेप एंड साइज़ का कर सकूं। जहाँ से मुझे कम ढीला चाहिए, जहाँ से मुझे ज़्यादा टाइट चाहिए, वो मैं अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकूं। तो इसीलिए मैंने एम ना लेके एल लिया था। इस पर्टिकुलर ड्रेस में आपको एक्स्ट्रा स्मॉल से ट्रिपल एक्सल तक के साइजेस में अवेलेबल है ये कुर्ती। अगर आपको ये पिंक कलर नहीं लेना, तो इसमें एक मस्टर्ड येलो कलर भी है, सेम टू सेम आप उसे भी ग्रैब कर सकते हैं। मटेरियल मैंने पहले ही बता दिया, पॉली क्रेप है, पॉलिस्टर एंड क्रेप का मिक्स है। तो मैंने इन्हें परचेस किया और मुझे बहुत पसंद आया, बिकॉज़ ये पॉलिस्टर एंड क्रेप है, तो ये हैंड वॉश करने में इजी है, बार बार आयरनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपको बार बार इसे आयरन करना होगा। ये वॉश करने के बाद बिल्कुल नए जैसा हो जाता है, एंड कलर भी नहीं निकलता है इसका, और बहुत अच्छा है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मैं हूं सनाली, मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।